Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it to get all the videos. Let's start question number 7 from exercise 12.3. Question is, simplify the expressions and find the value if x equals to 3, a equals to minus 1, b equals to minus 2. हमें सेम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 6 की तरह करना है. पहले इन गिवन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन है 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9. तो सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये रहा आपका 3x, ये रहा माइनस 1x. 3x में माइनस 1x हुआ तो आपके पास बचेगा 2x, एंड माइनस 5 में प्लस 9 करेंगे तो आपके पास बचेगा प्लस 4. तो ये हो गया सिंप्लीफाई. अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं. तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 3 गिवन है, तो हो जाएगा प्लस 4. तो 2 3 जा 6 प्लस 4 एंड 6 प्लस 4 10. दिस इज योर आंसर. सेकंड पार्ट अगेन यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे आप. ये रहा आपका कांस्टेंट वैल्यू, ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू. तो 2 पॉजिटिव का 4, तो ये हो गया आपका 6. माइनस 8 में आप प्लस 4x करेंगे, 8x है ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव, तो माइनस 8x में प्लस 4 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 4x बचेगा. ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं. 6 माइनस 4, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये हो गया 6 माइनस 4 3 ज़ा 12. तो प्लस 6 में माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 6. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेम एक्सप्रेशन 3a एंड माइनस का 8a. तो ये 3a है प्लस का और इसमें माइनस 8 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 5a. ये आपके पास प्लस 5 एंड प्लस 1, तो ये हो गया आपका प्लस 6. तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 5a. a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 1. माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 6. ओके, तो ये हो जाएगा 5 वन जा 5. ठीक है, ये तो हो गया आपका 5 वन सा 5 और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन है. ठीक है, तो प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना होगा, 11. ओके, ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वी हैव अगेन, दिस इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज़ आल्सो कांस्टेंट टर्म. तो 10 माइनस 4 कितना होता है, 6. या माइनस का 3 भी है एंड माइनस का 5 भी. माइनस 3 में माइनस 5 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बी. तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, माइनस 2. तो ये हो गया 6 माइनस 8 टू जा 16 और ये भी माइनस का है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, एंड 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 6 कितना होगा, 22. ओके, नेक्स्ट अगेन 2a माइनस 2b. तो सेम टर्म वाले 2a हैं एंड 1 दिस, तो ये हो गया आपका 3a. देन यू हैव माइनस का 2b, दिस इज़ माइनस 4 में माइनस 5 करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा. तो a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1, 2 बी की वैल्यू माइनस 2 और माइनस 9. तो ये हो जाएगा 3 वन ज़ा 3, क्योंकि अंदर माइनस का साइन है तो बाहर ये आ जाएगा. यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 टू ज़ा तो 4 हो जाएगा, जब ये बाहर आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया आपका 9. माइनस 3 में प्लस 4 करेंगे तो 1 बचेगा. ओके, एंड क्या बचा आपके पास, माइनस 9. तो प्लस 1 में माइनस 9 करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा आंसर. ओके,